हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल यूनिट जो है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था, कि ज्योमेट्री 15 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें कि ट्रायंगल अकेला 10 मार्क्स कवर करता है। यानी कि ट्रायंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द ज्योमेट्री यूनिट, एंड ज्योमेट्री इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। तो हम लोग को ट्रायंगल में इसमें पढ़ना क्या है, हम लोग को सबसे पहले तो ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में एक थ्योरम है, जिसे हम लोग बीपीटी थ्योरम कहते हैं, उसकी प्रूफ पढ़ना है। बाकी दूसरी थ्योरम हमारे पास में कन्वर्स थ्योरम है, उसे उस बीपीटी की उस कन्वर्स थ्योरम को जानना है, प्रूफ नहीं करना है। और बाकी सारे हमारे क्राइटेरिया है ट्रायंगल के सिमिलरिटी के, उन क्राइटेरिया को हमको जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आना चाहिए कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है कि अगर क्या कोई एक सर्कल ट्रायंगल के सिमिलर है, नहीं हो सकता। सिमिलर का मतलब होता है उसी के जैसा, उसी के जैसा मतलब शेप में, ना कि साइज में। तो मैं यहां पे शेप की बात कर रहा हूं, साइज की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि अगर कोई सर्कल है तो वो सर्कल के सिमिलर होगा। ये हो सकता है कि ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल हो, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई एक रेक्टेंगल या फिर रोम्बस है या स्क्वायर है, तो वो किसी दूसरे रोम्बस रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के सिमिलर होगा। इसी तरीके से ट्रायंगल भी यही होता है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी भी यही होती है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड की होती है, कोई भी पॉलीगन जो सेम नंबर ऑफ साइड की होती है, मैं यहां लिख लेता हूं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, इनमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल second their corresponding sides are equal। ठीक है, तो पॉलीगन के बारे में मैंने बताया कि सेम नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन होने चाहिए। तो अगर हम लोग यहां पे ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल के लिए भी यही दो कंडीशन फॉलो होगी, और इन्हीं पे हम लोग सिमिलरिटी जज करेंगे उसकी। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे हम लोग आते हैं, सिमिलर फिगर्स आप समझ गए हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे हम लोग मूव करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो पढ़नी है हम लोग को बीपीटी थ्योरम। बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या चीज? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक लाइन ड्रॉ की गई है, जो लाइन
इस ट्रायंगल की दो साइड्स को एक रेशियो में डिवाइड करती है और थर्ड साइड यानी बीसी के पैरेलल है, तो इनकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल रेशियो में होंगी, जो कि लाइन ये डिवाइड कर रही है, जैसे कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो चलो इसको एक बार हम लोग इसका स्टेटमेंट भी लिखते हैं और इसको प्रूव भी करते हैं, क्योंकि इसका प्रूवमेंट हम लोग के सिलेबस में है। तो ये अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था कि बीपीटी एक्चुअली है क्या। तो पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, पैरेलल को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं पूरी, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैं सिंबल से लिख रहा हूं यहां पे, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। और एक हमने इसमें साइड ड्रॉ करी है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। बी सी के पैरेलल है लाइन ये डी ई, और ये डी ई लाइन ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसको मैं लिखने का तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, तो उसी सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं। प्रूव हमें ये करना है, लिख दिया यहाँ पे टू प्रूव अ गिवन, क्या क्या हमको दे रखा है। तो गिवन में हम लोग को क्या क्या है दे रखा है, दे रखा है कि DE पैरेलल टू, यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देते हैं ट्रायंगल के बारे में, इन अ ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू बी सी एंड डीई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड इंटरसेक्ट ए सी एट ई। ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग बी और बीई और सी डी को कनेक्ट करेंगे, देन आफ्टर हम लोग एई पर बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
ई से एडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका कुछ नाम रख देते हैं हम लोग, एन एंड एम। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहला कंस्ट्रक्शन हमारे पास था जॉइन बीई एंड डीसी। सेकंड कंस्ट्रक्शन था हमारे पास ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएम टू, डीएम किसके है, एई के परपेंडिकुलर। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ईएन टू एडी। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। देखिए, अब हम लोग प्रूफ जब करेंगे तो फिगर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए ए डी ई, मैं इसको कॉपी करके नीचे इसका डायग्राम ले लेता हूं, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमको। मैं यहां पेस्ट कर लेता हूं जिससे कि आपको बार बार ऊपर नीचे मेरे को करके ना दिखाना पड़े। ठीक है, तो ए डी ई इस वाले पार्ट का हम लोग पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ए डी ई में परपेंडिकुलर ये है, ये वाला ई एन, और परपेंडिकुलर किस पे है, ए डी पे। तो ए डी हमारा बेस हो गया, हाफ ए डी इंटू ई एन। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको हाईलाइटर को हटा देता हूं। हाईलाइटर को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल बीडीई का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहां पे हाइट आप कहेंगे हाइट तो है नहीं, लेकिन हाइट यहां पे कैसे बनी है देखिए। ये बी है, ये डी है, ये ई है। तो हमने हाइट यहां पे देखी, ये एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना यहां पे, ये एन। तो ये ई एन क्या है, इसकी हाइट है। तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट में क्या लेंगे हम लोग, हाफ बेस इंटू हाइट में बेस हमारा हो गया बी डी और हाइट हमारी हो गई ई एन। हाइट हो गई हमारे पास में ये ई एन, तो ये क्वेश्चन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई। तो इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई टू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ पी डी इंटू ई एन। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ये क्वेश्चन थ्री हमने कर दी है। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि, क्योंकि ये हमारे पास मेन इक्वेशन है।
ठीक है। अब देखो, अब मैं एक बार फिर से इसका नीचे पेस्ट कर लेता हूं, बार बार ऊपर ना जाना पड़े, जिससे कि आपके बगल में ही, आपके बगल में ही फिगर रहे। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से हम लोग एडीई का अगर एरिया निकालें, तो एक एक हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो ये डीएम भी तो है, ये डीएम भी तो है, तो इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो अब क्या हो जाएगा, ये हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एई, बेस क्या हो जाएगा, एई इंटू, और अब किसे परपेंडिकुलर डीएम है, तो डीएम इक्वेशन 4 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ। अब देखो इसमें फिर से वही, अगर हम लोग दिखाएं तो देखो डीईसी में ये हमारे पास में ट्रायंगल है, तो अगर इसको हम लोग हटा के करें ऐसे, ये इरेजर एक बार में नहीं आती है, ठीक है। ओके 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 ओके, ये हमारे पास में स्क्रीनशॉट है, इसलिए इसमें वो डिलीट नहीं हो रहा, इरेजर से मिट नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो ऐसे डायग्राम बना है कुछ, ठीक है, ये डी है, ये ई है और ये सी है। अब देखो ये जो यहां से हमने डायग्राम या फिर हमने परपेंडिकुलर खींचा है, ये एम डीएम है, तो डीएम इसकी हाइट हो गई ना, तो इसलिए बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारे पास में डीई ई सी, तो बेस हमारे पास में हो गया हाफ ई सी इंटू हाइट हो गई डीएम, डीएम इक्वेशन 5। तो अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 4/5, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डीएम अपॉन हाफ ईसी इंटू डीएम, तो कैंसिल आउट हो गया इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वेशन 6 हो गई हमारे पास में। और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास मेन इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये 6 इक्वेशन है, हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि हमें ढूंढने में आसानी हो। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग को देखना है कि एडीई, एरिया ऑफ बीडीई एंड डीईसी के बारे में कुछ हम लोग को रिलेशन देखना है, तो एरिया ऑफ एडीई और बीडीसी, तो देखो मैं इसको अगर यहां पे अलग से फिगर बना दूं, ऐसे करके ये बना है बी डी ई, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट में अलग से बना देता हूं। अब देखो, तो ये जो पार्ट है हमारा,
ट्रायंगल बीडीई और डीईसी, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर हैं, डीई और डीई पर सेम बेस पर हैं, डीई पर, और डीई और बीसी पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये थ्योरम में हमको पता है। तो दो ट्रायंगल बीडीई और डीईसी सेम बेस पर हैं और बिटवीन टू पैरेलल्स हैं, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये हम लोगों ने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको पतला करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए सॉरी ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, डी ई एंड बिटवीन द पैरेलल्स डीई पैरेलल टू बी सी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी। ठीक है, ये इक्वेशन 7 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, आप देखो 5, 6, 7 से कैसे, यहां पे भी अगर हम लोग एडीई की और सॉरी यहां पे हम लोग बीडीई है और यहां पे डीईसी है, तो एक काम करते हैं, ये फिर आप डायरेक्ट, आपको शायद किसी बच्चे को ना समझ आए, तो मैं पहले काम करता हूं कि यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, तो इससे क्या कर देगा, हो जाएगा अब एरिया, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ, अब देखो यहां पे डी ई सी की जगह पे हम बी डी ई रख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये इक्वेशन 8 था। ठीक है, तो अब इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो अब इक्वेशन 3 एंड 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8, 3 एंड 8 से क्या हो जाएगा, देखो यहां पे भी हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल बीडीई है, और 3 में भी देखेंगे अगर हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई एंड बीडीई है, तो दोनों इक्वल कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों इक्वल करेंगे तो हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन BC, और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मैं ये फिगर यहां से, चलिए कोई बात नहीं रहने दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग की BPT थ्योरम होगी, प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे जो दूसरी थ्योरम है उसे हम लोग, उसका प्रूफ, प्रूफ नहीं है, प्रूफ केवल इसी थ्योरम का था बीपीटी का, वो कन्वर्स बीपीटी है। कन्वर्स बीपीटी क्या बोलती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई लाइन किसी ABCDE, किसी कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई लाइन उस ट्रायंगल की दो साइड्स को रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसको कैसे समझते हैं, अगर कोई ट्रायंगल ABC है और लाइन DE है, और ये लाइन DE AB और AC को इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि AD अपॉन BC सॉरी
AD अपॉन BD एंड AE अपॉन EC, यहां पे हमको दे रखा है ये। तो फिर DE पैरेलल टू BC होगी। बीपीटी थ्योरम में क्या था, हमको ये दे रखा था और ये प्रूफ करना था, लेकिन कन्वर्स बीपीटी में ये दे रखा है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बार इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इन इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है ना, ये एक डायग्राम से ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये अगर कोई एक लाइन है ए बी सी, एक ट्रायंगल है और लाइन है डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ए बी और ए सी साइड्स को। तो यहाँ पे हमको दे रखा है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, देन डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि किस किस क्राइटेरिया पर हम लोग ट्रायंगल की सिमिलरिटी को जज कर सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो यहां पे हम लोग के पास में चार क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास में है ए ए ए, यानी कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल हैं, और अगर बी ट्रायंगल इसके इक्वल, ये ट्रायंगल इसके इक्वल और ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, तो ए ए की क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, अच्छा ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल एफ इज इक्वल टू, सॉरी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो फिर से लिख देते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर का साइन है हमारे पास में। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तीनों तो फिर ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा ए ए क्राइटेरिया। ए ए क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यानी कि अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ, कोई भी दो एंगल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी कर दें और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई कर दें, तो भी ये देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। थर्ड क्राइटेरिया है मेरे पास एस एस एस।
अगर दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ, और अगर कोई भी दो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में हैं, सेम रेशियो में हैं दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के, तो उन जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ए बी अपॉन डी ई, इसका और इसका रेशियो इज इक्वल टू बी सी अपॉन, ये हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे एफ होगा। ई एफ मतलब ये इसके इक्वल, एंड ए सी अपॉन डी एफ ये इसके इक्वल। तो अगर ये तीनों रेशियो में है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में है, तो फिर ट्रायंगल देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। और ऐसा होने के बाद अगर हम अब फोर्थ क्राइटेरिया देखते हैं, फोर्थ क्राइटेरिया है एस ए एस। एस ए एस का मतलब हो गया कि अगर किसी ट्रायंगल की, मैं इसको फिगर से बताता हूं, ये ट्रायंगल है दो ए बी सी डी ई एफ, अगर दो ट्रायंगल हैं और इनकी दो साइड्स, करस्पॉन्डिंग दो साइड्स सेम रेशियो में है, यानी कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल के साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी हैं। तो ये दोनों रेशियो में है, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ए सी और बी सी भी हो सकती है, ए बी और ए सी भी हो सकती है, मतलब जो भी दो साइड लेंगे ट्रायंगल की उनके बीच का एंगल वो इक्वल होना चाहिए। तो देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। अगर हम लोग ये वाली ट्रायंगल, ये वाली साइड्स लेते तो फिर ये वाला एंगल हो जाता, और अगर हम लोग ये वाली साइड्स लेते तो फिर ये वाला एंगल हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चार क्राइटेरिया है जिससे कि हम लोग ट्रायंगल की सिमिलरिटी देख सकते हैं। आई होप इस चैप्टर का, ट्रायंगल चैप्टर का आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पीवाईपी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देन तब तक कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।